हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। एयर कंडीशन का इस्तेमाल तो आप लगभग आज हर जगह देख रहे हैं। एयर कंडीशन का काम एक स्थान के एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने का है। बदलते एनवायरनमेंट के साथ गर्मी बढ़ती ही जा रही है और लोग ठंडक पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर पॉल्यूशन के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छोटी बड़ी दुकानों, घरों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे एयर कंडीशन लगे मिलते हैं। लेकिन जो लोग ये एयर कंडीशन लगाते हैं उनमें से कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगा एयर कंडीशन के इन्वेंशन के बारे में। तो आइए जानते हैं एयर कंडीशन के इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। दिन भर जैसे जैसे एयर कंडीशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वातावरण पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण करती है और इसी से ही गर्मी की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी एयर कंडीशन का इस्तेमाल अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क बफेलो में मॉडर्न एयर कंडीशन की शुरुआत हुई सन 1902 में। विलिस कैरियर द्वारा पहली मॉडर्न पावर एयर कंडीशन का इन्वेंशन किया गया था। सन 1906 में स्टुअर्ट डब्ल्यू क्रेमर ऑफ चार्लोट ने अपने प्रिंटिंग हाउस में हवा में नमी को कम करने के तरीके की खोज की, जिसे क्रेमर ने एयर कंडीशन शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ही इसे पेटेंट करवाया। इसके तुरंत बाद सन 1914 में चार्ल्स गेट ने मिनियापोलिस में एयर कंडीशनिंग का पहला प्राइवेट घर बनाया था, ये समझकर कि एयर कंडीशनिंग एक दिन प्राइवेट घरों की एक खास स्पेशलिटी होगी। सन 1945 में मैसाचुसेट्स के रोबोट सेरेमैन ने एक पोर्टेबल इन विंडो एयर कंडीशन का आविष्कार किया, जो ठंडा, गर्म, ह्यूमिडिफिकेशन, डिहाइड्रेटेड और हवा को फिल्टर्ड करती थी। ये एयर कंडीशन घर के अंदर जगह भी नहीं रोकती थी, क्योंकि इसको बाहर लगा के कूलिंग पाइप से अंदर लाई जा सकती थी। पहले एयर कंडीशन में एमोनिया, मिथाइल क्लोराइड या प्रोपेन जैसी जहरीली या फ्लेमेबल गैस का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लीक होने पर घातक दुर्घटना हो सकती थी। फिर सन 1928 में थॉमस मिडगली जूनियर ने नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस फ्रीन का बनाया और फिर एयर कंडीशनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि ये गैस एटमॉस्फेयर में ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और फिर इन गैसों पर रोक लगना शुरू हुआ। और आज की कुछ कंपनियां एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हुए एयर कंडीशनर के अंदर ऐसी गैस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वातावरण को नुकसान भी ना हो और एयर कंडीशनर एब्सोल्युटली क्वांटिटी में ठंडक भी देती रहे। और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि एयर कंडीशनर के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप एक एयर कंडीशनर परचेस करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि वो एयर कंडीशनर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और आपकी हेल्थ पर कोई बुरा इम्पैक्ट भी ना करती हो। तो इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ आपको जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आप लोग सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बनें।